अज़ीज़ तलबा आज हम आपके सामने डिस्कस करेंगे कि आपकी ग्रेजुएशन की जो इस्लामियत लाजमी है आपने उसका पेपर कैसे तैयार करना है और कैसे अटैम्प्ट करना है आज की इस वीडियो को देखने के बाद आपको पता चलेगा कि किस तरह हम इस्लामियत लाजमी में फर्स्ट डिवीजन ले सकते हैं और किस तरह अच्छे नंबरों से हम पास हो सकते हैं आपकी ए डी पी क्लासेज यानी एसोसिएट डिग्री जो प्रोग्राम यूनिवर्सिटी uh, की तरफ से टू ईयर में करवाया जाता है उसके पहले पोर्शन में यानी पहले पार्ट में पार्ट वन में आपको सिक्सटी मार्क्स का इस्लामियात का पेपर करना होता है ये जो साठ नंबर का आपका इस्लामियात का पेपर है इसकी तैयारी कैसे होगी उसको डिस्कस करने से पहले हम पहले आपके सिलेबस को डिस्कस करते हैं याद रहे कि आपका जो पेपर है इस्लामियात लाजमी का वो सिक्सटी मार्क्स का है और दो घंटे में करना होता है तो ये एक बड़ा बच्चों के लिए प्रॉब्लम भी होती है क्योंकि बाकी पेपर कुछ तीन घंटे के हैं कोई ढाई घंटे का है तो ये टू हावर्स में करना होता है और उसको कैसे मैनेज करना है ये बच्चों के लिए एक बड़ा डिफिकल्ट होता है तो इस हवाले से मैंने टाइम मैनेज भी करके आपको बताना है पेपर कैसे आपने करना है और उसकी तैयारी कैसे होगी ये सारी बातें हम डिस्कस करेंगे सबसे पहले हम बात करते हैं आपके सिलेबस पर आपका जो सिलेबस बीए बीएससी लेवल पे आपने इस्लामीत लाजमी का जो तैयार करना होता है एडीपी क्लासेस में एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम के अंदर आपके पेपर का पहला पोर्शन जो है वह कर्न हकीम पर मुश्तमिल है कुरान हकीम की सूरह जो आपने तैयार करना होती है उनमें से जो अहम है वो भी हम आज डिस्कस करेंगे कौन कौन सी आप करें तो अच्छे नंबर आपको मिल सकते हैं बहरहाल ओवरऑल सिलेबस में आपकी जितनी भी सूर मौजूद हैं कुरान की वो सारी तर्जमा और तफसीर के साथ आपने तैयार करना होगी आपका जो दूसरा पोर्शन है वो हदीस मुबारक पर शामिल है आपकी जो किताब है अरबाइन नववी, ये वो किताब है जिसमें चालीस अहादीस हैं। फोर्टी ये जो चालीस अहादीस हैं अरबाइन नबवी इसमें से सिलेक्ट करके आपकी बुक में अहादीसें रखी गई और आपका सिलेबस अरबाइन नबवी से बना है अरबाइन नवीमा नवावी की लिखी हुई किताब है और उससे सिलेक्ट आपने हदीसों का तर्जमा प्लस तशरी आपने इसको तैयार करना है आपके सलेबस का जो तीसरा पोर्शन है वो नबी करीम सल्लल्लाहु सल्ला वल् आपकी सीरत सरतुलनबी सल्ला व्ल् से रेलिवेंट है इसमें आपने हमारे प्यारे नबी सबकी विलादत से पहले अरब के हालात आपकी विलादत मक् शरीफ की जिंदगी एलान नबूत से पहले एलान नबूत के बाद फिर मदनी ज़िंदगी फिर हिजरत मदीना और मिसाख मदीना कॉन्ट्रैक्ट गज़ावाद, ये सारी की सारी चीज़ें सल्लल्लाहु सल्ला वसल्लम के पोर्शन में शामिल है जिसमें से आपका टेन नंबर का मार्क्स का पेपर में से क्वेश्चन आता है तो आपने इसकी भी तैयारी सरतुलनबी सल्ला व्ल्म की करनी आपके पेपर का जो लास्ट पोर्शन है वो इस्लामी तहजीब व तमद्दन है जिसके अंदर आपने ये डिस्कस करना होता है कि इस्लामी तहजीब क्या है मगरबी तहजीब क्या है और इन तहजीब के माबे कौन सी कदरें मुश्तरक हैं और कहाँ कहाँ हम एक दूसरे को फैसिलिटीज दे दे सकते हैं इस्लामी तहजीब और तमदन की तमदन की खसूसियात क्या हैं दूसरी जो तहजीबें हैं उनमें और इस्लामी तहजीब में क्या फर्क है मुजन क्या है कंपेरिजन कैसे किया जाएगा ये सारी की सारी चीज़ें आपके इस पोर्शन में शामिल है तो आपका जो पेपर ए का है एसोसिएट डिग्री प्रोग्राम का बी ए का वो बेसिक चार चीज़ें हैं और इसके अंदर ग्रामर का एक पोर्शन भी है जिसको अरबी ग्रामर के मुख्त मुख्तसर से रूल डिस्कस किए गए हैं और ये जो ग्रामर के जो रूल हैं ये शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पर पूछे जाते हैं और ये अमूमन इसम क्या है फ़ेल क्या है नाउन किसे कहते हैं वर्ब किसे कहते हैं फिर उनसे रेलिवेंट जो चीज़ें हैं इसम की कितनी अकसाम है मार्फा क्या है मुजक्कर क्या है मोहनस क्या है वाहि तस्नी जमा क्या है और इसी तरह वर्ब किसे कहते हैं माजी किसे कहते हैं फ़ेल माजी क्या है मुजार क्या है अमर क्या है नहीं क्या है इससे रेलिवेंट चीज़ें तो ये आपने अमूमन ग्रामर का पोर्शन इंग्लिश में पढ़ा होता है वर्ब नाउन क्या होते हैं और उसके आपस में क्या क्या रिलेशन है उसी को आप अरबी में थोड़ा सा समझ के पढ़ लें उनकी मिसालों के साथ तो ग्रामर वाला पोर्शन भी आपका हल हो जाता है तो इस तरह आपका जो सिलेबस है बुनियादी तौर पर यह चार चीज़ें और उसमें ग्रामर का एक मुख्तसर सा पोर्शन है तो इस तरह आपका ये वाला पोर्शन जो है सिलेबस वाला अच्छे अंदाज में आपका फिर हल हो जाता है अब हम बात करते हैं कि आपने तैयारी कैसे करनी है और आपकी पेपर की डिवीजन क्या है किस तरह और कितने वेटेज पर आपका कौन कौन सा क्वेश्चन आएगा और कैसे आपने उसकी तैयारी करना होगी इसमें सबसे पहले जेन में रखें आपका पहला क्वेश्चन जो है वो शॉर्ट क्वेश्चन है यानी आप जब तैयारी करेंगे तो आपने पूरे सिलेबस में से जो तैयारी की होगी तो आपका क्वेश्चन नंबर वन जो है वो आपका शॉर्ट क्वेश्चन है आपने शॉर्ट क्वेश्चन की तैयारी ऐसे करनी है कि आपके सेवन सात शॉर्ट क्वेश्चन आएंगे जिसमें से आपने फाइव करने हैं इसका अगर हम एनालिसिस करें कि कितने पोर्शन से कितने क्वेश्चन आते हैं तो उसका अगर एनालिसिस किया जाए तो अमूमन यानी मैं कंफर्म नहीं बता रहा अमूमन एग्जामिनर जब बता ये पेपर बनाता है तो तकरीबन आयात से वो ज्यादा शॉर्ट क्वेश्चन देता है यानी अगर हम एनालिसिस करें पास पेपर का तो पेपर वेटेज के लिहाज से थ्री क्वेश्चन आपके तकरीबन आयात से आ जाते हैं और बाकी दो क्वेश्चन आपके सीरत वाले पोर्शन से और एक हदीस से और एक सीरत से इस तरह सात क्वेश्चन आपके पूरे सिलेबस से बन जाते हैं और कभी इससे हट कर वो दो क्वेश्चन आयत के और एक ग्रामर से रेलिवेंट और फिर बाकी इसी तरह हदीस और सीरत से तो ये थोड़ा सा वेटेज में फर्क आता है इस तरह आपने सेवन क्वेश्चन में से फाइव करने हैं दो की ऑप्शन आपके पास मौजूद है टेन मार्क्स हैं इस तरह आपका पहला जो क्वेश्चन है शॉर्ट क्वेश्चन वाला ये क्वेश्चन आपका हल हो जाता है इसके बाद आपका जो सवाल नंबर टू है क्वेश्चन नंबर टू के अंदर आपने जो तैयारी करनी है वो आयात बीनात की है आयात के अंदर आपने तर्जमा और तफसीर इन दोनों की तैयारी करना होती है इसकी टाइमिंग के लिहाज से भी बच्चे पूछते हैं कि सर तैयारी कैसे करें और पेपर कैसे किया जाए कि टाइमिंग के लिहाज से भी हो जाए तो ये जेन में रखा जाए कि आपका जितना भी ये पेपर है आयात से रेलिवेंट आपको चार आयात आएंगी इसमें आपके चार जुज बने होंगे अलिफ बाने चारों में से चार आयात में से दो करनी है और आपने उसको टाइम पे और उसकी वेटेज के लिहाज से उसकी तैयारी करनी होगी यानी आपने जब ये तर्जमा और तश्री करनी है तो आपको अगर नंबरों में डिवीजन किया जाए तो तर्जमा आपका सिक्स मार्क्स का है और तश्री आपकी फोर मार्क्स की है टेन मार्क्स आपके बनेंगे एक आयत का तर्जमा और तश्री करने पर तो आपने तर्जमे पर फोकस करना है और आपका सिक्स नंबर का तर्जमा है और उसके रेलिवेंट अगर आप तशी करेंगे तो आपके फोर नंबर है जब दूसरी आयत को अटैम्प्ट करेंगे आप उसका भी यही तरीकाकार होगा आपका तर्जमा सिक्स मार्क्स का है और तशरी आपकी फोर मार्क्स की है टेन मार्क्स इसके बने तो इस तरह टोटल आपको क्वेश्चन नंबर टू अटैम्प्ट करने पर बीस नंबर मिलते हैं ट्वेंटी मार्क्स आपके हुए इसके अंदर आपने करना क्या है अगर आप इसकी टाइम के लिहाज से अगर डिवीजन को देखते हुए इनको आपने टाइम पर भी मुरतब करना है तो पेपर करते हुए आपने हर आयत को 20 मिनट देने हैं लिहाजा आपने 20 मिनट में एक आयत और इसी तरह दूसरी आयत भी 20 मिनट में तो आपने टोटल 40 मिनट के अंदर आपने इसको मुकम्मल करना होगा 40 मिनट में आपने आयत का तर्जमा और तस्वीर इसको अच्छे अंदाज में लिखें और इसमें कोई इतना मुश्किल नहीं है तर्जमा अगर आप देखें तो ईजीली आप कर सकते हैं इसको भी इन डिवीजन कर लें बीस मिनट में आपने तर्जमा तफसर एक और बीस मिनट में और बीस मिनट बहुत होते हैं चालीस मिनट में आपने कोशिश करना है कि इसको मुकम्मल करना है अच्छा अब आपके सिलेबस से रेलिवेंट जो आयात हैं या सूरतें हैं अब बहुत बड़ा सिलेबस है मैं इसको शॉर्ट करके अगर आपको अहम अहम बताऊं जो जिसको आप तैयार कर लें तो आप इन उसके अंदर अच्छे नंबर से पास होंगे उसमें आप एक सूरा अल बकरा को अच्छे अंदाज में तैयार कर लें दूसरी सूरा अल अलजाब इसको भी आप अच्छी तरह तैयार कर लें सूरा अल बकरा और सूरा अहजाब के बाद आप सूर सफ और सूर हुजरात इन सूरा को आप अच्छी तरह याद कर लें तो इंशाला आपकी दो आयत इनमें से इन आ जाएंगी तो कोशिश करें ये चार जो सूरह है इसको आपने अच्छे अंदाज में तैयार कर लेना है और जब आपने पेपर अटैप्ट करना है तो आपने 20-20 मिनट के अंदर एक एक आयत को और इस तरह आपका 40 मिनट में एक पूरा तैयार हो जाएगा इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर थ्री क्वेश्चन नंबर थ्री आपका अहदीस मुबारक पर मुश्तमिल है वो अहदीस जो आपकी नवावी के अंदर मौजूद है उन अहद से रेलिवेंट आपने अच्छी तरह तैयारी करनी है आपको इसकी तैयारी का दो मैं तरीका कार बता रहा हूं वो गौर से समझिएगा जिसमें से आपने एक हदीस करनी है यानी इसके अंदर भी ऑप्शन मौजूद है अलिफ और बा आपने इन दोनों में से एक करनी है और तरीकाकार इसका तर्जमे का सिक्स मार्क्स और इसी तरह जो तशरी है आपकी वो फोर मार्क्स की टोटल आपके टेन मार्क्स इसके बने आदीस के तो हदीस का भी आपने कोशिश करना है तर्जमा उसी से रेलीवेंट और इसी तरह तशरी भी आपकी उसी से रेलिवेंट होनी चाहिए ताकि आपको पूरे नंबर उसी हिसाब से मिल सके इसमें जो ख़ास तौर तो पे आपने चीज़ें देन में रखनी है टाइम के लिहाज से चूँकि टेन मार्क्स हैं आपके पास ये करने के लिए बीस मिनट हैं और आपने 20 मिनट के अंदर इसका तर्जमा और इसकी तशरी मुकम्मल करना होगी 20 मिनट के अंदर और ये इजीली हो सकती है अब इसके अंदर बच्चे पूछते हैं कि सर बहुत ज़्यादा अदीस हैं आप अहम बता दें मैं अहम अदीस के नंबर आपको बता देता हूँ आपने जब अदीस को तैयार करना है तो कोशिश करें हदीस नंबर वन हदीस नंबर टू इसी तरह आपका हदीस नंबर थ्री हदीस नंबर फोर ये अहम नंबर हैं जो मैं लिख रहा हूँ ताकि आप इसको अच्छी तरह तैयार कर लें सेवन नाइन टेन ठीक है ये आपने करनी है लाजमी हदीस ताकि अच्छी तरह आपकी तैयारी हो जाए इलेवन आपकी हदीस नंबर ट्वेल्व इसको अच्छी तरह तैयार करना है फोटीन और आपकी हदीस नंबर फिफ्टीन इसी तरह आपकी हदीस नंबर सेवनटीन नाइनटीन ट्वेंटी और ट्वेंटी फाइव ये अहदीस आप अगर कर लें तो इन शाह इसमें से लाजमी आपका पेपर अच्छे अंदाज में हल हो जाएगा और इसी से शॉर्ट क्वेश्चन भी हल होगा इन शाह और इसी तरह तर्जमा और तशरी तो अदीस वाला जो पोर्शन है ये आपने बीस मिनट में करना है और इन शाह आपका ये पोर्शन जो है अच्छे अंदाज में हल होगा अब हम बढ़ते हैं आपके अगले क्वेश्चन की तरफ आपके क्वेश्चन नंबर वन टू और थ्री आपका क्वेश्चन नंबर वन टेन मार्क्स का ट्वेंटी मार्क्स और ये टेन मार्क्स का यानी आपका चालीस नंबर का पेपर हल हो गया अब हमने आगे बढ़ना है आपके ट्वेंटी मार्क्स मजीद वो कैसे आपके आएंगे उसके लिए मजीद मैं आपके सामने दो चीज़ें डिस्कस करूंगा। एक तो हमारी सिलेबस और बुक के अंदर जो सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वाला पोर्शन है हमने उसको देखना है सेकंडली सीरत के साथ साथ हमने यह समझना है किस तरह इस्लामी तहजीब और दुनिया की बाकी तहजीब का कंपैरिजन करके हम इस्लामी तहजीब की अजमत और उसकी अजमत और शान को वाजे कर सकते हैं लिहाजा आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फोर वो सीरतुल्नबी सल्लाम से रेलिवेंट है सीरतुल्नबी सल्लाम का जो आपका क्वेश्चन होगा वह भी आपके टू क्वेश्चन होंगे आपके जिसमें से आपने एक करना है और ये टेन मार्क्स का है दस नंबर का इसमें भी आपको ऑप्शन मिल जाती है और आप ऑप्शन के लिहाज से अच्छी तरह तैयारी कर सकते हैं इसको भी आपने कोशिश करना है पच्चीस मिनट के अंदर आपने इसको करना है क्योंकि इसमें रेफरेंसेज हैं हेडिंग्स आपने देनी है हेडिंग्स के साथ अच्छे अंदाज में लिखना होता है लिहाजा आपने क्वेश्चन नंबर फोर जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का है इसको भी अच्छे अंदाज में करते हुए इन सारी चीज़ों को मद्देनजर रखना है अब इसके अंदर पच्चीस नंबर पच्चीस मिनट है आपके पास आपका दस नंबर का क्वेश्चन है अहम कौन कौन से हैं वो मैं आपको नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हवाले से बता देता हूँ इसके अंदर आप कोशिश करें मुताला नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये क्वेश्चन अच्छे अंदाज में तैयार कर लीजिए कि नबी करीम अलैहि वसल्लम की सीरत के मुाले के बेनिफिट्स क्या हैं जब हम रीडिंग करते हैं मुताल करते हैं देखते हैं और पढ़ते हैं इसकी क्या अहमियत है और उसकी ख़ास तौर पर जो चीज़ आपने याद करनी है वो ज़रूरत व अहमियत है जब आप नीड एंड सग्निफिकेशन को देखते हैं तो आपको पता चलता है कि इसकी मौजूदा दौर के अंदर कौन कौन सी ज़रूरिया है और उसकी अहमियत क्या है इसके साथ साथ आपने ये देखना है कि तजकिया नफ्स में यानी इंसान के बातिन की पाकिजगी के लिए जो आज ज़रूरत भी है और तमीर सीरत के लिए सीरत का क्या किरदार है इंसान की जो सीरत है इंसान की तमीर सीरत किरदार में सरतुल नबी सल्ला वसलम का क्या किरदार है ये क्वेश्चन भी आपने अच्छे अंदाज़ में देखना है जो हमारी अमली ज़िंदगी से रेलीवेंट है और इसके अंदर जो बुनियादी चीज़ आपने याद रखनी है किरदार का नबवी मिनज क्या है यानी हमारे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इसमें क्या तरीक़ाकार रहा जिसको हम अपना कर आज एक अच्छा इंसान भी बन सकते हैं ये आपने ख़ास तौर पे सीरत वाले टॉपिक में याद करना है इसी तरह आपने तीसरा जो पोर्शन अच्छी तरह सीरत वाले पोर्शन में याद करना है वो ये है कि तश्कील माशरत और उस, हंसना इस पर एक नोट लिखें तो आपने तश्की मुआशरत और उसके साथ साथ एक अच्छे मुआशरे को तश्कील देने के लिए यानी हमारी जो सोशल एक्टिविटीज़ हैं हम अपने मुआरे में बेहतरी के लिए तश्ील माशरत और उस, हसना नबी करीम अलैहि वसम की प्यारी जिंदगी किस तरह इससे हम एक अच्छा मुआशर तश्कील दे सकते हैं ये वाला आपने पोर्शन अच्छे अंदाज़ में ज़रूर याद रखना है इसके साथ साथ आपने कोशिश करनी है हिजरत मदीना मसा मदीना ये चूँकि हजरत मदीना और मसाक मदीना हिस्ट्री से रेलिवेंट वो चीज़ें हैं जो आप छोटी क्लास में ही पढ़ते आए हैं ये आपने अच्छे तरह इनकी शिक्क़ों को भी याद कर लेना है और इसी तरह हिजतल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो आखिरी खुतबा है ये बुनियादी बुनियादी पॉइंट आपने सीरत के हवाले से अच्छी तरह याद करने हैं। 25 मिनट के अंदर आपने 10 नंबर का ये क्वेश्चन मुकम्मल करना होगा इसके बाद आपका जो क्वेश्चन नंबर फाइव है वो आपका इस्लामी तहजीब तमदन के हवाले से है याद रहे यहां सिर्फ एक थोड़ा सा फर्क भी है कि बी कॉम और बी एस सी की क्लासेज में सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन यानी आप यूँ समझ लीजिए कि जो बी की क्लास होती है उनका जो शॉर्ट क्वेश्चन होता है वो क्वेश्चन नंबर फाइव होता है और बी एस सी की क्लास का क्वेश्चन जो शॉर्ट क्वेश्चन है वो क्वेश्चन नंबर वन हो जाता है बाकी अरेंजमेंट वही है सिर्फ नंबर में फ़र्क आ सकता है इस्लामी तहजीब हमारा क्वेश्चन नंबर जो फाइव होगा वो इस्लामी तहजीब और तमदन से मुताल है ये भी आपका टेन नंबर का क्वेश्चन होता है जो कि आपने कोशिश करनी है कि इसको भी आपने पच्चीस मिनट में करना है टाइम की डिवीजन भी हो गई और आपको पता चल गया कि आपने 25 मिनट के अंदर किस तरह ये क्वेश्चन करना है ताकि अच्छे अंदाज में आपकी तैयारी हो सके इसके हवाले से चंद जो टॉपिक हैं वो मैं आपको बता देता हूँ आपका दस नंबर का है पच्चीस आपके मिनट हैं आपने ख़ास तौर पर इसमें जो चीज़ें देखनी हैं वो ये कि इस्लामी तहजीब की खसूसियात क्या है किस वजह से इस्लामी तहजीब बाकियों से जुदा होती है ये वाला पोर्शन आपने ज़रूर देखना है फिर इस्लामी तहजीब के अवामिलनासर क्या क्या हैं ये वाला पोर्शन भी आपने अच्छी तरह देखना है नासिर यानी कि तोहद रिसालत मलायका और अनासर से मुराद नमाज और हज ये चीज़ें भी आपने देखना है इसके इलमी और माशरती असरा क्या हैं जब इस्लामी तहजीब की हम बात करते हैं उसके कुछ इलमी असरात हैं और कुछ उसके माशरती असरात हैं और कुछ उसके फिक्री असरात हैं हमारी सोच और मैंटेलिटी को हमारी फिक्र और थिंकिंग पार को जो इस्लामी तहजीब एक अद अलग तश्स और आइडेंटिटी दे देती है वो आइडेंटिटी क्या है वो हमने इसमें डिस्कस करनी है और फिर इसी तरह हम इसके अंदर खास तौर पे ये वाला टॉपिक जरूर डिस्कस करते हैं कि इस्लामी और मगरबी तहजीब में क्या फर्क है इसके अंदर आप कोशिश करें अलामा इकबाल के अशार भी ऐड करें और भी कोई अशार नज़र को खीरा करती है चमक तहजीब हाज़िर की ये सन्नाई मगर झूठे नगों की रेज़ाकारी है इस तरह के आप अशार भी ऐड करेंगे तो आपको अच्छे नंबर मिलेंगे इस्लामी और मगरबी तहीब का मुजना कंपेरिज़न किया जाएगा इस्लामी तहजीब और मगरबी तहजीब इन में क्या फ़र्क है और ख़ास तौर पर मुआना करते हुए आपने ख़ास तौर पर इस चीज़ को डिस्कस करते हुए अशार को ऐड करना है ताकि अच्छे नंबर आपके बन सकें इसके बाद असरी तहजीबी तसादम और मुसलमानों की जिम्मेदारियाँ ये एक अहम तरीन टॉपिक भी है कि आज जो मौजूदा दौर के अंदर अगर हम कंटेप्रेरी एरिया एरा में देखें कि कौन कौन सी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से हमारे लिए प्रॉब्लम खड़ी हो रही हैं तो हमने असरी तहजीबी तसादुम यानी मुख्तलिफ तहजीबों के अंदर मुख्तलिफ चीज़ें जब बनी तो उनके अंदर एक तसादम पैदा हुआ यानि यूं समझ लीजिए माँ बैनल अक्वामी, मा बैन मजाहिब, बैन अवी तौर पर आपस में कौन सी कदरें हमारी मुश्तरक हैं? जिसमें आकर हम एक दूसरे के लिए फिसिलिटी दे सकते हैं और एक दूसरे को फैसिलिटेट भी कर सकते हैं वो जो बुनियादी अकदार हैं असरी तहजीबी तसादुम और उसके साथ साथ मुसलमानों की जिम्मेदारियां और मुसलमानों की इसमें क्या जिम्मेदारियां हैं जब आप उन रिस्पॉन्सिबिलिटीज को डिस्कस करते हैं तो एक बेहतरीन तश्ल पाता है तो आपने एक ये भी अच्छी तैयार कर लेना है तो तहजीब के ये वाले अगर आप अच्छी तरह कर लें तो नंबर आ जाएंगे इस तरह आपका जो टोटल पेपर का मैंने पूरा एनालिसिस आपके सामने रखा उसके अंदर आपका जो पूरा का पूरा पेपर है उसके बुनियादी तौर पर आपके पांच क्वेश्चन बनते हैं और इसको आप यूं ले लीजिए बीएससी वालों के लिए और बीकॉम के लिए सिर्फ शॉर्ट क्वेश्चन का फर्क है बीएससी वालों का पहला हो जाता है और बीकॉम वालों का शॉर्ट क्वेश्चन लास्ट में होता है लेकिन उसका वही तरीकाकार होगा कि आपने अगर इसको हम शॉर्ट क्वेश्चन पहले को लेते हैं तो आपने इसको टेन मार्क्स हैं इसको दस मिनट में ही आपने हल करना होगा क्योंकि शॉर्ट क्वेश्चन है इसको इजीली आप कर सकते हैं इसी तरह आपका दूसरा जो क्वेश्चन है इसको आपने 40 मिनट में करना है और आपकी दो आयात हैं और ये बीस नंबर का आपका है दो आयात आपने करनी है तीसरा आपकी हदीस है एक हदीस करनी है आपके पास एक हदीस करने के लिए बीस मिनट हैं और आपके इसके दस नंबर हैं आपका फोर क्वेश्चन सीरत के हवाले से है एक क्वेश्चन करना है दस मार्क्स हैं और आपने इसको भी पच्चीस मिनट में करना है और इसी तरह आपका एक क्वेश्चन सीरत के हवाले से है और आपने इसके भी दस नंबर हैं और इसको भी पच्चीस मिनट में करना है इस तरह आपका दो घंटे के अंदर आपका पूरा पेपर हल हो जाता है और आपके सिक्सटी मार्क्स बनते हैं इस तरह आपकी पेपर की पूरी डिवीजन हो जाती है जो आपने ए डी पी क्लासेज़ में इस्लामियत लाजमी बी ए बी एस सी के पेपर के अंदर तैयारी करना होती है